कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रविवार को संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे। यहां पहुंचने पर बमरौली एयरपोर्ट और स्वराज भवन में पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। राहुल गांधी निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रयागराज पहुंचे हैं। राहुल गांधी शाम करीब 4:45 बजे इंडिगो की फ्लाइट से प्रयागराज पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं मौजूद रहे और उनका फूलमाला और गर्मजोशी से नारोबाजी के साथ अभिनंदन किया। हालांकि राहुल गांधी कार्यकर्ताओं के बीच ज़्यादा देर नहीं रुके, अपने 50 गाड़ियों का काफिला लेकर सीधे अपने पैतृक आवास स्वराज भवन पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद वो कई बड़े नेताओं के साथ स्वराज भवन में दाखिल हुए। एयरपोर्ट से राहुल गांधी तकरीबन 50 गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ नेहरू गांधी परिवार के पैतृक आवास स्वराज भवन में पहुंचे। यहां पार्टी नेता और पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी उनके साथ थे। राहुल गांधी का काफिला सीधे स्वराज भवन के अंदर चला गया। यहां भी स्वराज भवन के अंदर जाकर राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए कार्यकर्ताओं ने खूब जद्दोजहद की। राहुल गांधी ने स्वराज भवन में चुनिंदा नेताओं को छोड़कर पार्टी के लोगों से बातचीत नहीं की, न ही मुलाकात की। पार्टी नेता प्रमोद तिवारी ने बताया कि निजी कार्यक्रम में शिरकत करने की वजह से राहुल गांधी आज कार्यकर्ताओं से नहीं मिल रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि वह जल्द ही पूरे दिन के लिए प्रयागराज आएंगे और दिन भर कार्यकर्ताओं की बातें सुनेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी प्रयागराज में कमला नेहरू ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल की CEO डॉक्टर मधुचंद्रा के बेटे की शादी में शामिल होने पहुंचे हैं। पहले उन्होंने रात को प्रयागराज में ही रुकना था, लेकिन वह रात करीब 9 बजे वाराणसी के लिए रवाना हो गए। वहीं से वह दिल्ली चले गए। उन्हें कल दिल्ली में सांसद सत्र में शामिल होना है, इसलिए वह कमला नेहरू ट्रस्ट की बेटे की शादी में शामिल हुए और बनारस के लिए रवाना हो गए। क्या राहुल जी ट्रस्टी हैं कमला नेहरू ट्रस्ट के, और एक दूसरी ट्रस्टी जो CEO है कमला नेहरू की, उनके बेटे का रिसेप्शन पूरी तरह व्यक्तिगत नितान कार्यक्रम है। सर कुछ कार्यकर्ताओं से भी मीटिंग होगी इनकी? राहुल जी ने कहा है कि मैं कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, उन्होंने प्रियंका जी को मेरे सामने कहा एक दिन पूरा रखो, मैं इलाहाबाद के कार्यकर्ताओं